नमस्कार दोस्तों, सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन एक छोटा सा विशेष वीडियो, जो काफ़ी स्टूडेंट्स का एक कमेंट आता है और क्यूरी इस प्रकार से पूछा जाता है कि सर, जो हमने किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, सपोज अपन आज का जो टारगेट है वो लेके चलते हैं स्कूल व्याख्याता, जो RPSC के अंदर 2024-25 की जो वैकेंसी आई है, 2024-25 के जो कैंडिडेट हैं, जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किए हैं, उनका सबसे बड़ा क्यूरी जो है वो इस प्रकार रहता है कि भाई, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी सिलेबस हमने कवर किया है, उसके अंदर रिवीजन जो है उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे सिलेबस को कैसे कवर करें, किस प्रकार से अपना रिवीजन जो है वो कितना महत्व है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि देखो आपने कितनी मेहनत की है वो आप ही जानते हो, आपने कितनी रातें हैं जो जग के काटी है वो भी आप ही जानते हो। पब्लिक, फैमिली और समाज क्या देखता है, अगर आपने आपकी सफलता का परचम या रिजल्ट दिया है तो आपने रियल में सीरियस पढ़ाई की है, अदरवाइज यही टर्म सुनने को मिलेगा कि क्या पता इसने क्या किया था, पढ़ाई की थी या नहीं की थी, या इसने मोबाइल चलाया था, या फिर हो सकता है कहीं गलत संगति में था, ये क्या पता क्या करने गया था। ये चीज़ें कॉमन है जो सभी के साथ में आते हैं, मेरे साथ भी आए हैं, आपके साथ में भी आते होंगे। तो इसका मतलब है कि भाई, अपन किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले ये सुनिश्चित करें अपन कि इस एग्ज़ाम का एनालिसिस क्या है, इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कितने पद आते हैं, लास्ट ईयर जो पेपर हुए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें क्या क्या कट ऑफ गई होगी, क्वेश्चन का जो लेवल है, पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या आया है, ये सभी चीज़ें उस एग्ज़ाम में हाथ डालने से पहले जो कैंडिडेट ये एनालिसिस कर सकता है या फिर उसको समझ सकता है, दैट मीन्स सिक्योर हो जाइए कि आप सही रास्ते पे हैं और आपको आपकी मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन देखेंगे कि जो रिवीजन है सिलेबस का, आपके नोट्स का, वो कितना महत्व है या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि एक टर्म ज़्यादा यूज में आ रहा है पद को लेकर, जैसे कि अपन इस वैकेंसी की बात करते हैं, पद की संख्या बायोलॉजी के लिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए हो सकता है। यहाँ पर पद की अगर अपन बात करें, 67 जो पद है वो दिए गए हैं। इसका मतलब आधे स्टूडेंट्स का तो यही कहना है कि इतने कम वैकेंसी, इतने कम पदों में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले आप तो एक जो कन्फ्यूज़न है जो मैं आज आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, पहली चीज़ तो जैसे मान लो कि एग्ज़ाम के अंदर 20,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपको लगता है हो सकता है एग्जाम में 50,000 बैठे, 20,000 से 50,000 मान लेते हैं अपन, इतने के आसपास बैठे, सीट कितनी है, 67 है, आप क्या चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन हो। अब घबराहट जो है आपकी वो सबसे बड़ी है कि इतने कम पदों में इतने कैंडिडेट्स अगर बैठेंगे तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। तो इस चीज़ का जवाब यही है, पहली चीज़ तो इतने जो कैंडिडेट हैं उनमें से 50% ऐसे कैंडिडेट आएंगे जिनकी MSc या BEd चल रही होगी। इसका मतलब उन्होंने केवल फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई करके और छोड़ दिया, इनको कोई मतलब नहीं है। अब बचे अपने 50%, 50% में से कुछ, इसका 50% अगर अपन करें तो अपन देख सकते हैं कि या तो वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो रीट के अंदर भी हाथ डाल रखे हैं, वो कंडीशन भी हो सकती है, या फिर हाल ही के अंदर कोई और वैकेंसी निकली उनमें भी हाथ डाल रखे हैं। इसका मतलब आप इनसे भी कंपटीशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ये भी कम कर दीजिए। अब आपके पास में जो बचते हैं इनमें से,
कंपटीशन, रियल जो कंपटीशन आपको करनी पड़ेगी वो यहाँ पे 5000 से 2000 के आसपास, केवल कैंडिडेट इतने बचेंगे, 2000 से 5000 के आसपास जो कैंडिडेट है केवल वहीं बचेंगे जिनके बीच में कंपटीशन है। अब इनमें से भी यदि आप अपने सीट को रिजर्व करना चाहते हो, सिलेक्शन चाहते हो, तो सबसे पहले अपने को क्या क्या समझना है, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप दोहराओगे या जिन पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो श्योर आपका सिलेक्शन होगा। इसका मतलब सबसे पहले अपन पॉइंट वाइज चलते हैं। ये पॉइंट जो है वो काफ़ी बार मैं वैसे डिस्कस कर भी चुका हूँ, लेकिन आज अपना जो टारगेट है वो है रिवीजन का महत्व है। इसके साथ में अपन उस पॉइंट को वापस दोहराते हैं। पहले पॉइंट तो है कि अगर आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का प्रिपरेशन में लगे हो और आप लोगों ने ठाना है कि मुझे मेरा एक सीट रिजर्व करना है या मुझे सिलेक्शन लेना है, देन सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देखोगे, सिलेबस, कि आपको सिलेबस को एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस क्या है, इसका लेवल क्या है, क्या देखना पड़ेगा आपको, इसका लेवल क्या है, कौन से टॉपिक्स इसमें शामिल किए गए हैं। आधे कैंडिडेट्स अगर अचानक से आपको पूछा जाए ना कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिलेबस का आइडिया होगा। तो ये तो मैं भी मान सकता हूँ कि हो सकता है सिलेबस पूरा तो किसी को याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं, लेकिन हाँ अगर टॉपिक का नाम आ जाए और ये पूछा जाए क्या ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, देन आपको यस और नो के अंदर आंसर आना चाहिए आपका कि हाँ है या फिर नहीं है। दैट मीन्स आपने सिलेबस को सही से एनालिसिस कर लिया है, आप सिलेबस को परफेक्ट रूप से आपने देखा है, प्रत्येक टॉपिक को देखा है आपने इसका मतलब, और प्रत्येक टॉपिक आपके माइंड आपके जहन के अंदर बैठा हुआ है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इस सिलेबस में है और मुझे कहाँ से कवर करना है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो प्रवेश पेपर है एग्ज़ाम का लास्ट का जो लेवल है वो देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस पेपर लेवल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने प्रिपरेशन की है और अपन एक मारवाड़ी में जो कहावत है अपन जो जानते भी हैं, अंधेरे में लठ मारने वाली बात है कि आप किसी को मारना चाहते हो और अंधेरा है, आप लठ को ऐसे ही घुमा रहे हो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और लठ किसी के लगता भी नहीं है, वो वाली कंडीशन है कि आपने कितनी भी मेहनत कितनी भी शिद्दत से की होगी, लेकिन जब तक आपको ये पता ही नहीं है किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या साइंटिस्ट के नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या सेल ऑर्गेनल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या डीएनए से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं या मेंडल से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो तभी आइडिया लगेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पेपर है क्वेश्चन सोल्व करोगे। और दूसरी चीज़ इसको समझने के लिए, अगर आपको लगे कि मैंने एक बार सोल्व कर लिया है तो मुझे समझ में आ गई होगी, उससे समझ में नहीं आती है, जितनी बार आप इसको रिवीजन करोगे प्रीवियस पेपर को उतनी बार आपको प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा ही नहीं था पहले, तो ये क्वेश्चन तो मेरा फर्स्ट टाइम सुना है मैंने ऐसा। इसका मतलब आप जब तक इसको 3 से 4 या 5 बार रिवाइज ना कर दो तब तक आप श्योर नहीं हो सकते कि इस पेपर का लेवल क्या आने वाला है या क्या रहा होगा। तीसरा पॉइंट, आपके कितने पेपर होते हैं, एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की जो रूल है वो पता होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। जैसे आजकल 40% का जो रूल है वो चल रहा है, दो पेपर होते हैं इसके अंदर, जीके का और बायोलॉजी का, तो आपको ये श्योर होना है सबसे पहले तो कि इसमें 40-40% तो मुझे मिनिमम लाने ही लाने हैं, देन कट ऑफ तो बाद की बात है। तो पहले तो आधे कैंडिडेट तो यही फेल हो जाएंगे कि उनके 40% नहीं पहुंच पाएंगे वो, इसका मतलब ये पता होना चाहिए केवल, ज़्यादा ज्ञान इसमें नहीं लगाना है अपने को। अब अपने को देखना है कि जो सिलेबस है जो प्रीवियस पेपर है उन दोनों को मर्ज करके एनालिसिस करके आपको ये आइडिया लगाना है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक्स मुझे कहाँ मिलेगा। इसका मतलब आपको जो गाइड है वो ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करते हो, गाइडों को इकट्ठा कर लेते हो
और जितनी ज़्यादा गाइड इकट्ठे करते हो, जितने ज़्यादा नोट्स इकट्ठे करते हो, उसमें क्या रह जाता है, कन्फ्यूज़न। क्यों? मटेरियल तो आपने क्या किया है, जहाँ भी मटेरियल मिला, आपका कोई फ्रेंड मिला, उसने कहा यार मैं तो उस कोचिंग से कोचिंग कर रहा हूँ, या मैंने तो वहाँ के नोट्स ले रखे हैं, फिर आप होगे हाँ यार ये नोट्स तो मेरे पास नहीं है, फिर आप वो नोट्स लेने जाओगे, वो नोट्स लेके आओगे, फिर 5-10 दिन उनमें उसको उनको पढ़ोगे आप, उनको पढ़ने के बावजूद आपको लगेगा अरे यार पहले वाले नोट्स छूट गए अचानक से। फिर लास्ट एग्जाम के 20 दिन 1 महीने पहले कोई कैंडिडेट मिलता है, फिर वो कहता है यार वो क्वेश्चन तो एक बार आपको करने ही करने पड़ेंगे, वहाँ वाले जो पेपर हैं वो देखने पड़ेंगे, वहाँ वाले जो नोट्स हैं वो तो देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके तो नोट्स आते आते हैं। अब आपने एंड टाइम पर उनको रिविज़न करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ओवरऑल आप लोग क्या रहते हो, कन्फ्यूज़न, कि जहाँ भी आपको बताया जाता वहीं चल पड़ते हो। जबकि मैं कह रहा हूँ आपको, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग माइंड का होना सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका डिसीजन होने सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपने भले के लिए सोचिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या कोई मुझे राय दे रहा है, क्या मुझे उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो सभी चीज़ें अपनी डिसीजन है, अपनी जॉब है, अपनी रिक्वायरमेंट है, आपको आवश्यकता है, दूसरे को आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आपको आवश्यकता है तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चौथा पॉइंट अगर आप देखोगे तो ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा गाइड वगैरह इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, सेल्फ नोट्स को ज़्यादा प्रीफर कीजिए, ठीक है ना। मतलब हो सकता है आपने गाइड पढ़ी हो, बुक्स पढ़े हैं, वीडियो देखे हैं, जो भी आपने किया है, उनके साथ साथ में आप शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डाल लो, शॉर्ट नोट्स की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। आधे लोग तो ऐसे हैं आरपीएससी फर्स्ट ईयर का सपना लिए बैठे हैं, जो ये कहने वाले हैं कि हमें हैंड राइटिंग ऐसे लिखना आलस आता है, लिखा नहीं जाता, कहीं से भी नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेड मिल जाएंगे, मैं वहीं से पढ़ूंगा, लेकिन लिखूंगा नहीं मैं कुछ भी। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मेरी कोई पीजी या यूजी लेवल की कोई बुक्स भी लेगा या लेता है, तो मैं उनको भी हमेशा ये कहता हूँ, कई कैंडिडेट के आप लोगों के आते हैं इस प्रकार के प्रश्न कि सर आपकी जो बुक हमने ली है क्या वो सफिशियंट है, और मैं हमेशा कहता हूँ नहीं, क्योंकि मैं कैसे कह सकता हूँ ये चीज़, मैं बच्चों के साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ। आप लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है तो मैं आपको विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको क्लियर कहता हूँ, मेरे नोट्स राजस्थान के सभी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं। अब एफर्ट आपको करने पड़ेंगे नोट्स में। इस बार जैसे कई कैंडिडेट की रिक्वेस्ट आई कि यूजी की बुक में आप शॉर्ट नोट्स के बीच बीच में आप स्पेस छोड़िए, या दो दो प्रत्येक टॉपिक के बाद में 2 पेज का स्पेस छोड़िए ब्लैंक, तो वो इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप उन पेज में जाकर आप अपने लेवल के क्वेश्चंस, अपने लेवल के टॉपिक, अपने लेवल की कोई भी नई चीज़ अगर आप मिलती है आपको, तो वो टॉपिक वाइज आप ऐड कर सको। इसका मतलब जो शॉर्ट नोट्स के साथ में आपको जो एफर्ट्स हैं वो आपको हाई लेवल के करने पड़ेंगे, और वो एफर्ट जो शॉर्ट नोट्स के आते हैं वो कहाँ से आते हैं भाई, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। जिसने प्रवेश पेपर को अच्छे से रटा है, समझा है हर चीज़ को, सिलेबस को समझा है, वो यहाँ अप्लाई होंगे शॉर्ट नोट्स में, कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में हर वो लाइन होनी चाहिए जो आज तक पूछी गई है अपने एग्जाम में, या किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर है, साइंटिस्ट का नाम है, जो भी है, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की आदत आप डाल लीजिए। अब आप क्या कीजिए, धीरे 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 ये चीज़ें सभी इकट्ठी कर लीजिए। ज़्यादा किताबों के चक्कर में, ज़्यादा गाइड्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। अब अपनों करना क्या है, आपने सपोज बायोलॉजी के लिए 300-400 पेज के नोटबुक तैयार की है। क्या तैयार की है, 300-400 पेज के आसपास में, लगभग 3 या 4 रजिस्टर आपने जो भी बनाए हैं उनको आपने इकट्ठा किया है, नोट्स लिखा है, और उसमें आपने सब चीज़ें शामिल की है, क्वेश्चन भी आ गया, सिलेबस रिलेटेड लाइन भी आ गई, सेल्फ नोट्स भी आ गए, गाइड्स का कंटेंट भी आ गया, सब चीज़ें आ गई, ये चीज़ें आ गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये फोकस करना है लास्ट टाइम में ना भटक कर, आपको ये फोकस करना है कि जो नोट्स मेरे पास उपलब्ध है, चाहे वो बुक हो या नोट्स हो या फिर ये सेल्फ नोट्स हो, इनको मैं रिवीजन कितनी बार कर पाता हूँ। सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होगा जिसमें सबसे ज़्यादा रिवीजन करने की क्षमता है, रिवीजन करने की क्षमता जिस कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा है। रिवीजन का मतलब है कि प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक लाइन को आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से कॉर्नर पे लिखा हुआ मेरा,
रिवीजन का मतलब है कि आपको प्रत्येक 3 दिन 5 दिन के बाद में उस टॉपिक का नंबर आना चाहिए, ताकि आपको कम से कम एग्ज़ाम से पहले पहले 5 से 7 बार के आसपास आपको रिवीजन हो सके। जिस कैंडिडेट ने एक ही नोट्स को इतनी बार रिवीजन किया है, और एक कैंडिडेट ने क्या किया है, प्रत्येक नोट्स को एक बार दिया है, लेकिन उसने नोट्स कितने हैं उसके पास में, 10 नोट्स की बुक है और एक एक बार रिवीजन किया उसने, तो वो किसी भी नोट्स के क्वेश्चन टिक नहीं कर पाएगा एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन आपने जो नोट्स बनाए हैं या फिर आपने जो भी गाइड पढ़ी है उसको अगर आपने 5 से 7 बार रिवीजन कर रखा है, तो मैं कह रहा हूँ इस गाइड में से, आपके नोट्स में से यदि क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 100% वो क्वेश्चन जो है 99% आपके क्वेश्चन सही होने की संभावनाएँ रहेगी। इसका मतलब रिवीजन जो एक ऐसा शब्द है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको अपने ब्रेन की परमानेंट मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करना है, ये अपना एम होना चाहिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको, हर कोई अपन क्या चाहते हैं, देखो एग्ज़ाम का एक टर्म्स आते हैं, कई बार कहते हैं कि सर एग्ज़ाम का लेवल हाई था या एग्ज़ाम का लेवल कम था, पेपर हार्ड था पेपर सरल था। इसका मतलब पेपर हार्ड और सरल ना होकर अपन ये कह सकते हैं जिस कैंडिडेट ने नोट्स को ज़्यादा बार रिवाइज किया है, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे आपने उसमें से क्वेश्चंस पढ़ेंगे या इन नोट्स के आसपास से कोई क्वेश्चन आएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा देखते ही कि इसका आंसर तो ये आएगा क्योंकि ये नोट्स में पढ़ा मैंने और इसका ये साइड इफेक्ट है या फिर इसका ये एप्लीकेशन है, ये इसमें एंजाइम्स यूज़ में आते हैं, ये चीज़ें यूज़ में आती हैं इसमें, तो आप वो भी क्वेश्चन टच कर दोगे। इसका मतलब आपके लिए तो ये जो पेपर है वो क्या हुआ, सरल हो गया, आप एग्ज़ाम से बाहर निकलोगे, आप कहोगे पेपर तो अच्छा था, पेपर का लेवल अच्छा था, पेपर सरल था, मैंने अच्छे क्वेश्चन किए हैं। एक कैंडिडेट ऐसे नहीं आ रही, पेपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आए इसमें, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के क्वेश्चन पूछ लिए, कई क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिए जिनका कोई तुक ही नहीं है, मतलब ऐसे नेगेटिव बात ऐसे करने वाले कैंडिडेट आएंगे। उनका कारण क्या है, बताया मैंने आपको कि वो उन्होंने नोट्स जो है 10 कोचिंगों के नोट्स ले लिए, 10 गाइड इकट्ठी कर रखी है उन्होंने, और ऐसे करते करते उनको एक बार भी रिविज़न पूरा नहीं हो पाया, और जब एक बार भी रिविज़न नहीं होगा तो उनको प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन आंसर वो कभी भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनके लिए जो ये पेपर है वो कैसा है भाई, वो हार्ड है, उनके लिए जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, हार्ड आएगा, और वो कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब रिवीजन एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा शब्द है जो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने करंट पढ़ा है, करंट को रिवाइज कीजिए, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री को रिवीजन करते रहिए। अगर आप सोचो कि मैंने एक बार रिवीजन कर लिया, मेरे याद है सब कुछ, नहीं, वो एक बार के लिए आपको लग सकता है कि मुझे याद है। इन सब के साथ में रिवीजन का मतलब ये नहीं है केवल थ्योरी नहीं है, साथ साथ में एमसीक्यू दोनों की प्रैक्टिस जो है, उनके दोनों का ही रिवीजन करना पड़ेगा अपने को, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। किसी भी सिलेक्शन के एग्जाम के लिए डिपेंड करता है कि आपने लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर ये टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो कितने किए हैं। आप क्या करते हो, हर टॉपिक में मॉक टेस्ट के चक्कर में पड़ जाते हो, कभी कहीं और कहीं ऐप के चक्कर में पड़ जाते हो, कभी किसी के चक्कर में पड़ जाते हो, कभी नोट्स लेने के चले जाते हो, कभी नोट्स मिल गए उनके चक्कर में पड़ जाते हो, 10 दिन पढ़े 11वें दिन समझ में आया, नहीं यार इस नोट्स में कोई दम ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा। इससे बढ़िया मैं आपको कह रहा हूँ, जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो ना ही तो कोचिंग के बेस पे होगा, ना ही गाइड के बेस पे होगा, वो उसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो कैंडिडेट सेल्फ एफर्ट कर सकता है, वो अपने समय को सदुपयोग ले सकता है कि मेरे जो 24 घंटे हैं, सभी कैंडिडेट को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन मेरे जो 24 घंटे हैं मैं उसको ज़्यादा कैसे बदल सकता हूँ। ज़्यादा बदलने का मतलब सभी को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे जो 24 से ज़्यादा कर दे उन घंटों को, उसका सिलेक्शन होगा। उसका ज़्यादा करने का मतलब है कि जो दिनचर्या एक रेगुलर कैंडिडेट, एक सामान्य कैंडिडेट की है, अगर वो अपनी दिनचर्या उस कैंडिडेट के कंपेयर डिफरेंट कर ले, तब जाके सही होगा। प्रत्येक कैंडिडेट अपन कहें कि सुबह उठेंगे 4 बजे 5 बजे उठेंगे, पढ़ेंगे, फिर वापस हो जाएंगे, फिर उठेंगे 10 बजे, अलग अलग दिनचर्या है, लेकिन जो कैंडिडेट है
उसको तो पता है कि मुझे क्या करना है, वो हर टाइम को सदुपयोग करेगा, सजने संवरने पे कम ध्यान देगा, मिलना जुलना कम करेगा। अपन कहें कि जो इवेंट्स है, शादी ब्याह है, पार्टियां हैं, उनमें कम इन्वॉल्व होगा। ऐसी कंडीशन में वो अपना पूरा टाइम जो है उसको सदुपयोग करेगा अपना रिवीजन करने के अंदर। तो सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होगा जो अपने 24 घंटे में प्लस कर सके, उन घंटों को जोड़ सके, कि जो कैंडिडेट जिस टाइम पे सो रहा है, जिस टाइम पे वो खा रहा है, मैं उसमें से आधी घंटा कैसे निकाल सकता हूँ। जो कैंडिडेट इस टाइम पे घूमने फिरने जा रहे हैं या फिर और कहीं जा रहे हैं, मैं उसमें उसके जो 5 दिन किसी की शादी में गए हैं, मैं उन 5 दिन को कैसे ले सकता हूँ, मेरे वाले पीरियड में कैसे जोड़ सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी भाई, चाहे आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, या कहीं से भी करो। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए कभी भी किसी कोचिंग के ऊपर डिपेंड मत रहना भाई। कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन कोचिंग में भी उसी 5-10 कैंडिडेट का होता है जो सेल्फ एफर्ट करते हैं। और आप कभी भी ये आइडिया लगा के देख लेना, हमारे बैच में भी जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सबका सेल्फ स्टडी वालों को ज़्यादा हुआ है। हम सब सेल्फ स्टडी वाले हैं, हमने कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं की। इसका मतलब सेल्फ स्टडी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा तो एक ही फंडा, मेरा तो एक ही फंडा भाई, मैं रिविज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये जो अप्लाई किया है मैंने रूल, ये जो चीज़ें अप्लाई की वो मैंने अप्लाई की है। लास्ट बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने गया, मैंने बोटनी का एनालिसिस किया, बोटनी का सब कुछ किया, मैं रिटर्न में एग्ज़ाम में भी हुआ लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाया। इस बार भी एग्ज़ाम दी है, अच्छे एफर्ट के साथ दी है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अनुभव होगा। लेकिन ऐसा कर सकते हैं अपन कि रिवीजन जितना बेस्ट आप कर सको, अपना टाइम जितना आप बचा सको, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम किसी को मत दीजिए क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा भाई। उम्र निकलती जा रही है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती जा रही है, इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जाएगी। जिनकी मैरिड शादी हो चुकी है उनको पता है, जिनकी नहीं हुई है उनके सामने जिम्मेदारियाँ आने वाली है, कई प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ में। इससे बेटर है कि आप जिस स्टेज पे हो अभी अपना सिलेक्शन लेके सिक्योर कर लीजिए अपनी सीट को, ताकि अपने को आगे रिग्रेट ना हो और अपनी लाइफ में फंस के ना रह जाए और हमेशा रिग्रेट हो कि मैं उस काबिल था लेकिन वहाँ मैं नहीं जा पाया। अगर आप किसी चीज़ के काबिल हो तो अपने एफर्ट लगाइए। एफर्ट आपके प्रत्येक, मैंने इस टॉपिक में बताया है कि आज एफर्ट कैसे कर सकते हो। मेरा इस वीडियो देखने के बाद में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करेंगे और 100% मेरी जो थ्योरी है इसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन के अंदर और उनका 100% सिलेक्शन होगा। यही मेरी उम्मीद है आप लोगों के साथ में, और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छी रणनीति के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें, शरीर का ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज़।